अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। जैसा कि आपको पता है, रमज़ान है और गर्मी भी शुरू हो गई है, तो आज हम रमज़ान स्पेशल में इफ्तारी के लिए बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क। बहुत मज़े का बनता है ये, और हम इसको बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे जैसा कि जूस कॉर्नर पे या रेस्टोरेंट्स में आप पीते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक जग लिया है, इसके अंदर हम 10 से 12 जो है स्ट्रॉबेरीज डालेंगे, 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आप डब्बे का दूध यूज़ करें तो फिर इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा होता है। चीनी ऐड करेंगे इसमें 4 खाने के चम्मच। आप चीनी जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। दूध डालेंगे 1 गिलास। हम ये 2 गिलास तैयार करेंगे, 1 गिलास दूध डालेंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें बर्फ भी डालनी है। तैयार होकर 2 गिलास हो जाएगा। व्हिपिंग क्रीम डालेंगे हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच। कंडेंस मिल्क डालेंगे हम इसके अंदर करीब 1 खाने का चम्मच। बंद करेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर आइस क्यूब डालेंगे। बर्फ जो है हमेशा इसको ब्लेंड करते हुए डालें, ग्लास में ना डालें, क्योंकि इस वक्त जब इसको डालते हैं ये ब्लेंड होती है तो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। बाद में बर्फ़ डालने से उसका टेस्ट में जो है पानी का यानी कि टेस्ट आ जाता है, तो मज़े का नहीं होता। तो इसलिए हम इस पॉइंट पे इसमें बर्फ़ डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए तैयार है हमारा मज़े मज़े का स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। इसे अब निकालेंगे और गिलासों में सर्व करेंगे। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको हमारे न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।